शांत हो जाओ, शांत हो जाओ चिंटू, शांत हो जाओ। कहाँ है तुम्हें, क्यों रो रहे हो फिर? कोकी कोकी क्या हुआ तुम्हें, किसी ने मारा, क्यों रो रही हो तुम? मैं कहाँ रो रही हूँ, तुम्हारे कान ठीक है ना? या जाना पड़ेगा किसी ENT स्पेशलिस्ट के पास। तो क्या तुम नहीं रो रही थी? मैं क्यों रोने लगी, मेरी सास अभी तक जिंदा है। तो फिर ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही थी? ये तुम्हारा लाडला बेटा रो रहा है। अरे आहिस्ता मारो, आहिस्ता मारो, इतना जोर से मारोगी तो पड़ोस वाला दिलरुबा भी रोने लगेगा। क्या रो रहा है, जैसे इलेक्शन में हार गया हो। ये स्कूल में बच्चों को ठीक से रोना भी नहीं सिखाते। तो अभी कुछ बोलेगा या ये करता रहेगा? क्यों रो रहा है? अरे अभी तो तेरा रिजल्ट भी आना बाकी है चिंटू। अच्छी खासी तेरी गर्मी की छुट्टियां भी चल रही है, इसलिए तो रो रहा हूँ। क्या मतलब? मेरे स्कूल के सारे फ्रेंड्स बारगांव चले गए हवा खाने, कोई कश्मीर चला गया है, कोई ऊटी चला गया है, और हम लोग अभी तक यही सड़ रहे हैं। सड़ रहे? ये क्या बोल रहा है? फिकर मत कर बेटे, फिकर मत कर, तुम्हारे डैडी भी हमें हवा खाने लेकर जाएंगे। बोलो केशु, इस गर्मी की छुट्टियों में हमें हवा खाने कहाँ लेकर जा रहे हो? हमारे बिल्डिंग के टेरेस पर। क्या? हाँ क्योंकि हमारे बिल्डिंग के टेरेस पर बहुत अच्छी हवा चलती है, ईस्ट वेस्ट ओपन। इससे तो अच्छा हम गांव चले जाएंगे। मैकी? हाँ, लेकिन मेरे नहीं, तुम्हारे मैकी। क्या मतलब? हम तुम्हारे मामा के पास चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं। क्यों क्यों क्यों? नहीं नहीं, वो यहाँ आकर छे छे महीने रहती है, वो चलता है। अरे लेकिन कोकी, मामा को कितनी तकलीफ होगी। इसमें तकलीफ का है की? और मैंने उनके लिए तकलीफ उठाई, उसका कुछ नहीं। नहीं, फिर भी मामा को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए कि हम आ रहे हैं। क्यों, वो कभी इन्फॉर्म करती है? सीधा बोरिया बिस्तर उठा के आ धमकती है यहाँ पर। मामा, चलो चलो बस बस। मामा, शाम को तेरी बहन भी आ रही है। अच्छा? अपने पति को लेकर। चंदू? चंदू वो भी आ रहे? हाँ, वो बहू क्या है कि गांव में इतनी गर्मी पड़ती है कि सबने सोचा चलो शहर चलते हैं पप्पू के यहाँ हवा खाने। क्यों, हवा खाने आप लोगों को और जगह नहीं मिली? कोकी? क्या कोकी? पिछले 6 महीने से लगातार खिदमत करी है मैंने इन लोगों की, अब इन गर्मी की छुट्टियों में भी मुझे चैन से नहीं जीने दोगे क्या? अच्छा अच्छा बहू, ज्यादा जमान मत लड़ना, जाओ जाओ मेरे लिए गीजर चालू करो, चाय बनाओ, और शाम को मेरी बेटी और दामाद आ रहे हैं, उसके लिए खाना भी बनाना, समझी? तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। हेलो, चिंटू माय सन। हाँ बेटे, क्या मम्मी रो रही है? क्यों? दादी माँ आई है इसलिए? अच्छा बेटा मैं भी आता हूँ, आई एम जस्ट कम। मार्केट जा रहे हो तुम लोग? कोई बात नहीं, फिर मैं बाद में आऊंगा। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी, आई लव यू माय सन। हेलो, अरे डॉल, इतनी जल्दी, अभी 10 बजे तुम वापस भी आ गई? मैंने जल्दी पैकअप करा दिया। क्यों? मेरे प्रोड्यूसर की याददाश्त खो गई है। याददाश्त खो गई? कैसे? सीढ़ियों से गिरा, उसके सर पे जबरदस्त चोट आई, अपना नाम तक भूल गया। ओह माय गॉड। जानते हो, अब वो ये भी नहीं पहचानता कि उसकी बीवी कौन है और उसकी हीरोइन कौन है। अरे वो तो पहले ही नहीं पहचानता था, जब देखो तब तुम पे लाइन मारता रहता था। सुनो ना, आज क्या हुआ, उसने मेरे इंस्टॉलमेंट का चेक अपनी बीवी को दे दिया और मुझसे पूछने लगा बच्चों ने खाना खाया। अच्छा हुआ तुम पैकअप करा के घर पे आ गई, वरना रात को तुमसे पूछता क्या बच्चे सो गए हैं, चले। Shut up, दिल। मेरा दिमाग वैसे ही गरम है, जाओ मेरे लिए चाय बना कर ला। दिमाग गरम है तो कुछ ठंडा पियो ना। लाता हूँ, लाता हूँ। मम्मी, हाँ? चिड़िया संभाल के चलना। क्यों? अगर गिर गई तो आपकी याददाश्त खो जाएगी। वो कैसे? पिंकी के जो रिलेटिव है ना, उनकी याददाश्त खो गई। कैसे? वो ना सीढ़ी से गिर गए। क्या कह रहे हो तुम, सच? हाँ, और अभी वो किसी को नहीं पहचानते। चिंटू, चिंटू मैं गिर रही हूँ सीढ़ियों से उतर कर। समझ गया, मम्मी गिर गई, मम्मी गिर गई, मम्मी गिर गई। हेलो, कौन चाहिए? एक सेकंड, गोखले, केशव जी कहाँ है? वो शर्मा साहब के केबिन में होगा। क्यों? उनके घर से फोन है। अरे मैसेज ले लो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, वो कह रहे उनकी मम्मी सीढ़ियों से गिर गई है। आपने गाड़ी में पेट्रोल तो भरवाया है ना? वो तो तुम भरवाओगे ना। जोशी गोखले, गोखले तुम लड़कियों के पास क्या कर रहे हो? सर केबिन में जाओ, बीच में बैठो। सॉरी।
और सुनो, हम आप कैसे जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम ऑफिस का ख्याल रखना, समझे? बैग पकड़ो। नहीं सर, इट्स ऑल राइट, आपने पकड़ी है, नो प्रॉब्लम। मैं बात हूँ। केशव, केशव, एक बड़ी बुरी खबर है। क्या? अरे तुम्हारी माँ सीढ़ियों से गिर गई। आइए, क्या जोशी फोन पर बात कर रही है? पहले बताना चाहिए। अरे यार, ये पकड़ो, बैग पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। हेलो मामा, तुम सीढ़ियों से गिर गई? क्या तुम नहीं गिरी, कोकी गिर गई है? अच्छा फिर तो कोई बात नहीं। हाँ मामा, मैं अभी आता हूँ। सर, सर मुझे लगता है मुझे जरा जल्दी घर जाना पड़ेगा। क्यों? मेरी बीवी सीढ़ियों से गिर गई है। तो मिठाई बांटने जा रहे हो क्या? नहीं, वो तो मैं आपके गिरने पर बांटूंगा। गिरे हुए मंगे ठकला, अगर कोकी की जगह तू गिर जाता ना तो मेरा कल्याण हो जाता। सर, केशव, बड़ी गहरी चोट आई है क्या? गोखले, कोकी गिरी है तो सीरियस डैमेज तो होगा ही। मुझे लगता है इस बार बहुत रिपेयरिंग निकलेगा। वो कुछ अजीब सा बड़बड़ा भी रही है, मेरी मामा कह रही थी, बार बार एक ही सवाल पूछ रही है। मैं कहाँ हूँ बुड्ढी? बोलो ना, मैं कहाँ हूँ? जानो में हूँ। हजार बार कहा है कि अपने पति के घर में, फिर भी पूछती रहती है, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? आने दे पप्पू को, वही बताएगा। मामा, क्या हुआ? ये अच्छा हुआ पप्पू तो आ गया। ये देख तेरी बीवी को क्या हो गया है? क्या हो गया है? अच्छी भली तो लग रही है, जरा देखो तो। तू कौन है रे? तू? कोकी, तुमने मुझे तू कहा, ऊपर से रे भी कहा। हाँ रे, तू कौन है बता ना। मामा, ये क्या पूछ रही है? अरे सबको यही पूछ रही है पप्पू। अच्छा अच्छा, तो ये पप्पू है। ए, मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा नाम केशव है। पति? वो क्या होता है? पति वो होता है जो होटल का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन पप्पू, अब हमें होटल में ही खाना पड़ेगा। क्यों मामा? क्योंकि ये कह रही है कि खाना बनाना क्या होता है ये मुझे याद ही नहीं है। देखो देखो, आज दोपहर का सारा खाना मैंने बनाया। कोकी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ, मैं क्या करूँ पप्पू, मुझे कुछ याद ही नहीं है। मामा, चिंटू कहाँ है? अरे वो इसकी याददाश्त खो जाने का फायदा उठा रहा है, खेल रहा है नीचे। मैं कहाँ हूँ पप्पू? मामा, मुझे लगता है इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अरे क्या अस्पताल ले जाना पड़ेगा? अरे शाम को तेरी बहन आएगी, चंदू आएगा, तो उनके लिए खाना कौन बनाएगा? इसका चाचा। पप्पू चुप। भाभी, भाभी तुम कैसी हो? ए, कौन है तू? क्या मम्मी? हेलो, ये मवाली कौन है? केशु, तेरी बीवी तेरी जीजा को मवाली कह रही है। हाँ तो सही कह रही है ना, सही पहचाना, वेरी गुड कोकी। मुझे लगता है कोकी की याददाश्त वापस आ रही है मामा। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है बेटी। हाँ, अरे ये जन्म जली सीढ़ियों से क्या गिरी, उसकी याददाश्त भी गिर गई। मतलब याददाश्त खो गई? हाँ, अरे घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती। तो फिर मेरे लिए मच्छी फ्राई कौन बनाएगा? मच्छी फ्राई? हाँ। चंदू के बच्चे तेरे लिए मच्छी फ्राई ये बनाएगा? नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी, मैं यहाँ आराम करने के लिए आई हूँ। मम्मी देखो ना। हाँ, अगर मेरी बेटी खाना बनाएगी तो ये डायन क्या करेगी है, बैठ के खाना खाएगी? गालियां मत दो बुढ़िया। बुढ़िया? हाँ बुढ़िया, ज्यादा गाली दी ना तो ये देखो। एक मिनट, मैं संभालता हूँ। तूने मेरी मामा को चक्कू दिखाया? समझ गया कोकी, समझ गया। चलो अंदर जाके कामकाज करो, चलो काम करो, चलो। केशु, नीचे टैक्सी वाला ना बिल मांग रहा है। दो। सोचा था क्या क्या हो गया? वाह, क्या बात है, ये आ गया। चुप करो, मैं कह रही थी तुमसे कि भाभी के लक्षण ठीक नहीं, उनके यहाँ नहीं जाएंगे। फिर भी नहीं सुनोगे तुम? अरे क्यों नहीं जाएंगे, ये तेरा मायका है। और मायके आगे नौकरानी बना दिया मुझे। चिंता मत कर बेटी, मैं गिन के बदले लूंगी। बुड्ढी, तो काम कर रही है कि बातें कर रही है? बोले वहाँ सारा पानी रह गया है। मैडम, बिस्किट। थैंक यू। उसने हम दोनों को नौकरानी बना दिया और तुम बिस्कुट खिलाओगे उसको, बिस्किट खिलाओगे? अरे खाने दो, ये तो मुझे काम पर लगाएगी। पप्पू, आप भाभी के बारे में कुछ करोगे नहीं तो हम आज ही शाम की गाड़ी से गांव वापस चले जाएंगे। सच? तो कितनी अच्छी है कमल। क्या पप्पू, आज शाम के इन सबके टिकट्स कटवा दो ना। टिकट तो तेरा कटेगा पप्पू, काम
गोखले, ये तेरी कोकी की याददाश्त वापस नहीं आई ना तो हम सब उसे भुला देंगे। हाँ, और भैया की शादी दूसरी लड़की से कराएंगे। बेशक करवा दीजिए, तो फिर तो मैं पप्पू की बारात में नाचूंगी। तब तो फिर ठीक है, मेरी बहन 20 साल से कुंवारी है। साले साहब याद है ना, गौरी नहीं, गौरी नहीं, गाय और गौरी नहीं, नहीं, इसे तो अच्छा है मैं कोकी को ही रिपेयर करवा दूंगा, है ना कोकी? चल अंदर चल। चलो पप्पू। लेकिन केशव क्यों, तूने क्यों ठीक करवाना चाहता है? गोखले, कोकी की याददाश्त चली गई है। अरे तो अच्छी बात है, दुनिया में 50% पति इसलिए दुखी है कि उनकी बीवियों की याददाश्त बड़ी स्ट्रांग है। अरे लेकिन कोकी की याददाश्त चली गई है इसलिए घर का सारा कामकाज मेरी माँ को और बहन को करना पड़ता है। ओह, कई याददाश्त होने के पीछे यही मकसद तो नहीं है? मतलब? जहाँ तक मुझे पता है, कोकी भाभी तुम्हारी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती, राइट? राइट। अगर उनका बस चले तो वो तुम्हारी माँ को कुएं में भी धकेल सकती है, राइट? अरे एक बार धकेल भी दिया था लेकिन मेरी मामा बच गई। बच गई? हाँ। कुएं में पानी नहीं होगा? नहीं, कुएं में कई और भी सांसें तैर रही थी ना, मेरी मामा उन पर गिरी, उसमें से 2-3 सांसें डूबकर मर गई लेकिन मेरी मामा बच गई। अच्छा हुआ केशव, अच्छा हुआ। मेरा मतलब यह है, अगर कोकी भाभी का बस चले तो वो तुम्हारी माँ से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, राइट? हाँ, ये राइट। तो उनकी याददाश्त भी खो सकती है, राइट? ये भी राइट। इसका मतलब ये हुआ गोखले कि कुकी नाटक कर रही है? बिल्कुल। थैंक यू गोखले, थैंक यू, तू मेरा सच्चा दोस्त है यार। हाँ। सच्चा दोस्त है। कुकी की बच्ची, अब मैं देखता हूं तेरा नाटक कितने दिनों तक चलता है। 22, 23, 98, 108, 109, 110. हेलो प्रेमा जी। हेलो केशव जी। अरे वाह, आपका ट्रैक सूट तो बहुत ही अच्छा है, इम्पोर्टेड लगता है। आपको तो चिंटू का जॉगिंग सूट पहन कर आए और मुझे कह रहे हैं मेरा ट्रैक सूट अच्छा है। नहीं, चिंटू का नहीं है, मेरा ही है प्रेमा जी। केशव जी, ये हाथ जरा कंधे से हटाइए प्लीज। प्रेमा जी, मैंने आपके कंधे पर हाथ इसलिए रखा है क्योंकि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। किस चीज में? प्रेमा जी, कोकी जो है याददाश्त खो जाने का नाटक करती है। तो मैं क्या करूं? मैं उसका भांडा फोड़ना चाहता हूं प्रेमा जी। तो मैं क्या करूं? आपको मेरे साथ प्यार का नाटक करना होगा। नहीं 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 केशव जी, और आप मुझसे दूर हटके रहिए, अगर दिल ने देख लिया तो हमारा भांडा और आपका सर जरूर फूट जाएगा। ऐसा मत कहिए प्रेमा जी, आप दिलरुबा जी को समझा लीजिए ना प्लीज। चिंटू, तेरे डैडी कहाँ है? वो देखो प्रेमा आंटी के साथ एक्सरसाइज कर रहे। मैं नहीं समझा सकती। अरे आप चाहे तो कुछ भी कर सकती है प्रेमा जी, आप तो कितनी बड़ी स्टार हैं, आपने तो कितनी अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया है प्रेमा जी, और आपकी एक दो फिल्में चली भी हैं। और मैं प्रेमा जी, मैं तो आपका बहुत ही बड़ा फैन रहा हूँ प्रेमा जी, आपको मेरे वन में प्यार की कसम। और आप तो कितनी खूबसूरत है। मैं खूबसूरत हूँ ना? प्रेमा जी, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, टेल मी, मुझे आपकी मदद करने के लिए क्या करना होगा? थैंक यू प्रेमा जी, थैंक यू। सबसे पहले तो आप मुझे अपना हाथ दे दीजिए। अब ये हाथ जो है मेरे कंधे पर रख दीजिए प्लीज। प्रेमा जी, केशव जी, आप नीचे क्यों लेट गए? ए, किसने बॉल फेंका रे? मैंने, मैंने, ऊपर ऊपर। अरे लेकिन हमारे ऊपर तो और कोई फ्लोर ही नहीं है। इडियट। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। कोकी जी हैं क्या? नहीं है, जा तू। नहीं, 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 नहीं है। चेक कीजिए ना, होंगी। नहीं है। बुढ़िया कौन है? ले मिल ले, तेरा आशिक आया है। हाँ तो मिल लूंगी, तू जाना। क्या बोला ना, तू जा करके चल निकल। ए कौन है तू? कोकी जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे मोटे बता ना, कौन है तू? बोलियो मैं मोटे मोटे, आज तक आप कभी भी मेरे साथ इस तरह से पेश नहीं आई है। अरे रे रे, तेरे हाथ को क्या हुआ? बुढ़िया ने मरोड़ दिया? नहीं नहीं, ये तो जन्म से ही ऐसा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जन्म जले बता तू कौन है। यानी कि चिंटू ठीक कह रहा था कि इनकी याददाश्त खो गई है। हाँ, सभी यही कह रहे कि मेरी याददाश्त खो गई है, लेकिन तू कौन है? कोकी जी, कोकी जी, व्हाट इज दिस? यानी कि अब मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि हम आपके हैं कौन? ए, सीधी तरह से खड़े रहना, ऐसे लचक क्यों रहा है? बोल ना तू कौन है? मैं आपका वो ये, क्या है? मतलब कि मैं आपका बहुत पुराना दोस्त हूँ, हमारी दोस्ती बहुत गहरी है। अच्छा, हाँ। कितनी गहरी है? बहुत गहरी है। बता कितनी गहरी है? बताओ। Ha 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 ha
ये क्या है? इसको बोलते हैं कीस, चुम्मा। अच्छा, फिर एक बार बताना। जरूर, जितनी बार बोलेंगे उतनी बार बताऊंगा। बड़ा अच्छा लगता है। याददाश्त चली गई है ना, तो मैं भूल ही गई थी कि ये गरम है। सॉरी सॉरी सॉरी, गयम गयम। देओ देओ, कहाँ हो तुम? देओ देओ, तुम कहाँ? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। इधर तो देखो देओ, तुम्हें मालूम है कोके जी की कल याददाश्त हो गई है, लेकिन यू नो केकू जी कह रहे थे कि ये तो सब नाटक है। यू नो मैं तो कल तक सोचती थी कि सिर्फ मैं ही एक मोहल्ले में एक्ट्रेस हूँ, लेकिन ये कोके जी तो मेरी भी कंपेटिटर निकली। बट शी इज नॉट रियली एनी कंपटीशन, यू नो। एंड यू नो केकू जी कह रहे थे कि उनके साथ ना कोके जी के सामने मैं प्रेम का नाटक करूँ। सो देओ, अगर तुम कुछ ऐसा वैसा देखो ना, डोंट टेक इट सीरियसली, ओके? डोंट टेक इट सीरियसली, बिकॉज मैं प्रेम का नाटक बिल्कुल नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी प्रेम का नाटक? ये हाथ तो बताओ तुम। क्या हो गया तुम्हें? गयम 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 गरम गरम क्या गरम गरम चाय पी के होन जाएंगे? ये नहीं गया भी हो जी। गरम गरम चाय पी के तुम्हारे होंठ जल गए? Oh no, you बुद्धि। रस्ते में है उसका घर। हेलो कोकी। हाय पप्पू। हाय कोकी। अब तू कौन है? अरे इनको नहीं पहचाना? अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हारी तो याददाश्त चली गई है। कोकी, शी इज माय गर्लफ्रेंड डॉल, एंड डॉल शी इज माय वाइफ कोकी। हम दोनों की ऐसी दोस्ती देखकर तुम्हें जलन हो रही होगी ना? बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं क्यों जलने लगी? मुझे भी एक बॉयफ्रेंड मिला है। हाँ, उसने मुझे बहुत कुछ याद दिलाया। क्या नाम है उसका? कौन है वो? मैं क्यों बताऊँ? मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन कह रहा था कि उसकी बीवी भी एक एक्ट्रेस है। क्या? हाँ। और क्या कह रहा था वो इडियट? और ना, और उसने मेरा हाथ, ये हाथ है ना, ऐसे प्यार से पकड़ के यहाँ एक प्यार से पप्पी ली। क्या? हाँ, पप्पी? हाँ, पप्पू पप्पी ली। और कह रहा था कि हम दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती है। कितनी गहरी दोस्ती है? गयम 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 गयम। हाँ, ये उसका कोड वर्ड था। जिस हाथ से तुमने ये हाथ पकड़ा, उस हाथ को प्रेमा जी, मेरा हाथ है, मेरा हाथ है। सॉरी 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 सर। देखो, अब मैं हो रही हूँ गयम गयम। मैं तुम्हें सिखाती हूँ गयम गयम का रियल मीनिंग। प्रेमा जी, पप्पू पप्पू पप्पू, एक मिनट, अब जाना है। ऑल द बेस्ट। प्रेमा जी, सासू जी, कोकी से छुटकारा पाने के लिए मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हाँ, बता ना, जल्दी बता। क्या है, घुमाने का बहाना बनाकर हाँ। आप उसे अपने साथ ले जाइए, जैसे मौका मिल जाएगा धक्का देकर आप उसे गिरा दीजिए। उससे क्या होगा? अरे उससे उसके टांगे आगे टूट जाएगी हाँ। तो फिर हम गौरी की शादी केशु के साथ इत्मीनान के साथ रचा सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है दामाद जी, क्या बात है, क्या आइडिया दिया। ले 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 ले, चुप 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 चुप। काश मेरी एक और भी बेटी होती ना, तो वो भी मैं तुम्हें दे देती। मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? क्यों नहीं, आपकी एक बेटी दो बेटी के समान है। चाहिए देगी तो कुकी निकल जाएगी। चाहिए बेस्ट ऑफ योर कुकी। कुकी क्या है? कोकी, चल आज मैं तुझे अपने साथ बगीचे में घुमाने ले जा रही हूँ। क्या बात है बुढ़िया, आज तू मुझसे बहुत प्यार से पेश आ रही है। क्या करूँ, आखिर बहू भी तो बेटी के समान होती है ना। अरे तू तो बिल्कुल मेरी सास बनने लगी है। अरे सास नहीं तो कम से कम अपनी सहेली समझ लो। नहीं नहीं, तू ऐसे ही मुझसे पेश आएगी तो तू सास के तौर पे भी मुझे मंजूर है। अच्छा हाँ। चलो फिर, चलो चलो। अरे क्या बात है मामा, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? अरे पप्पू, मैं कोके को बगीचे में घुमाने ले जा रही हूँ। अच्छा हाँ, हाँ। तू यहीं पे रहना, हम लोग अभी वापस आते हैं। अच्छा। समझा ना, यहीं पे रहना। हाँ, हम अभी आते हैं। क्या बात है पप्पू,
तुम्हारी माँ की आँख को क्या हुआ है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कोकी, क्या बात है, तेरी क्या आँखें हैं? बाय पप्पू। बाय। जरा संभल के मामा, वो कोकी है, कब क्या करेगी कोई नहीं जानता। अरे साले साहब, कांग्रेचुलेशंस, अभी आप दूसरी शादी के लिए फ्री हो गए। गाय और गौरी नहीं नहीं, और कोकी भाभी भी फ्री हो गई। केशु, केशु, मेरी याददाश्त वापस आ गई। अच्छा, ये देखो, ये कमल है ना, और ये मवाली चंदू। मवाली चंदू। और मैं कौन हूँ कोकी? तुम आवारा केशु हो। आवारा केशु चंदू। कोकी मामा कहाँ है? मामा, सासू जी, क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ?